बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम अलिश्पा किरत फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, डैट इज़ अबाउट लंग फिश। सो लेट्स सी देयर कंटेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास लंग फिशेस होती क्या हैं। Then we will discuss about their taxonomy and distribution. Then हम इनकी morphology को discuss करेंगे, जिसमें हम इनके external और इनके internal characteristics को discuss करेंगे। Then हम इनके behavior को discuss करेंगे, हमारे पास ये कौन कौन सा behavior show करती हैं। Then इनकी importance को discuss करेंगे, इनकी economic importance क्या है हमारे पास। देन इनकी रिसर्च फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली इन पे क्या क्या काम हुआ है, कौन कौन सी रिसर्च हो रही हैं। एंड ऑन लास्ट हम इनकी कंजर्वेशन स्टेटस को डिस्कस करेंगे। सो अगर हम इनके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करें कि हमारे पास लंग फिशेस हैं क्या, तो वी नो हमारे पास बहुत सारी ऐसी फिशेस होती हैं जिनके पास गिल्स होते हैं, जिनके ज़रिए वो रिस्पायर करती हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। लेकिन कुछ फिशेस हमारे पास वो होती हैं जिनके पास गिल्स और लंग्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऐसी फिशेस को हम लंग फिशेस का नाम देते हैं जो गिल्स और लंग्स दोनों की मदद से रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं। इनको साइंटिफिकली लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो इनको डिप्नॉय का नाम दिया जाता है, जो कि टू ग्रीक वर्ड से निकला है, डाय एंड पनॉय। डाय का मतलब होता है हमारे पास डबल, एंड पनॉय का मतलब होता है ब्रीथिंग। इनको डबल ब्रीथर्स भी कहा जाता है। अगर इनके फॉसिल्स रिकॉर्ड को देखा जाए तो जब इनके फॉसिल्स रिकॉर्ड को स्टडी किया गया तो पता लग गया कि किस तरह ये एक्वेटिक हैबिटेट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ जो है इनकी क्या जर्नी रही है, ये किस तरह इन्होंने ट्रैवल की है। अगर इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखा जाए तो इन डिवोनियन पीरियड जो है हमारे पास लंग फिशेज अपीयर्ड हुई थी, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हमारे पास इसकी बहुत सारे जेनरस जो है वो एक्सटेंक्ट होते चले गए। उसकी बहुत सी वजूहत थी जो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इनकी टैक्सोनॉमी आ जाती है। तो लंग फिशेज हमारे पास किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करती हैं। इनका फाइलम कॉर्डेटा है, इनकी क्लास सार्कोपेटेगी है। सब क्लास या ऑर्डर की बात की जाए तो ये डिप्नॉय से बिलोंग करती हैं। देन अगर हम इसके बाद इनके जेनर को डिस्कस करें फर्स्ट, तो हमारे पास इसके बहुत सारे जेनर थे जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हमारे पास ये एक्सटेंट होती चली गई। तो अभी फ़िलहाल के लिए करंटली हमारे पास इसके 3 जेनरस हैं, जिनमें फर्स्ट वन इज़ प्रोटोपटेरस, देन सेकेंड वन इज़ लेपिडोसायरन, एंड थर्ड वन इज़ नियोसेराटोडस। देन इनके जेनरा के हिसाब से इनकी फैमिलीज भी डिफरेंट है। अगर हम प्रोटोपटेरस की बात करें तो वो फैमिली प्रोटोपटेरिडी से बिलोंग करते हैं। अगर हम लेपिडोसायरन की बात करें तो वो लेपिडोसायरिनिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर हम नियोसेराटोडस की बात करें तो वो हमारे पास नियोसेराटोडोंटाइडी से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम इनकी इस फिगर को देखें तो हमारे पास ये 3 लिविंग जेनरा जो करंटली अभी पाए जाते हैं लंग फिशेस के, वो शो किए गए हैं इमेज में, जिसमें सबसे पहले नियोसेराटोडस है जिसको ऑस्ट्रेलियन लंग फिश का नाम भी दिया जाता है। देन हमारे पास प्रोटोपटेरस है जिसको अफ्रीकन लंग फिश का नाम भी दिया जाता है। एंड देन हमारे पास साउथ अमेरिकन लंग फिश है जिसको लेपिडोसायरन का भी नाम दिया जाता है। देन अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करें कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो जो वैसे फिशेज हैं, बहुत सारी ऐसी फिशेज हैं जिनकी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, वो हमारे पास इन ऑल कंट्रीज पाई जाती हैं। लेकिन जो हमारे पास लंग फिशेज हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसकॉन्टीन्यूस है। डिसकॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि इनमें हमारे पास ये जो फिशेज हैं ये बहुत रेयर हैं और ये इन ऑल कंट्रीज नहीं पाई जाती, कुछ रीजन्स में पाई जाती हैं। देन जैसे कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो हमारे पास 3 सर्वाइविंग जेनरा हैं लंग फिशेज के, डेट इज़ नियोसेराटोडस, प्रोटोपटेरस एंड लेपिडोसायरन, वो हमारे पास मोस्टली मोस्ट अबंडेंटली रिवर्स में और लेक्स में पाए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जब फर्स्ट जेनरा की बात करें डैट इज़ नियो सिराटोडस, जिसको ऑस्ट्रेलियन लंग फिश का नाम भी दिया जाता है, जो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ऐसी फिशेज, ऐसी लंग फिशेज जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के रिवर्स में या लेक्स में पाई जाएं, उनको नियो सिराटोडस का नाम दिया जाता है या ऑस्ट्रेलियन लंग फिश का नाम दिया जाता है। इनमें मोस्टली हमारे पास बर्नट और मैरी रिवर्स आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, जिनमें ये अबर्नेंटली जो है वो पाई जाती हैं। देन हमारे पास प्रोटोप्टेरस आती है, जिसको अफ्रीकन लंग फिश भी कहा जाता है। ये भी मोस्टली हमें अफ्रीका के रिवर्स में और लेक्स में जो है वो मिलती हैं। देन हमारे पास स्पाइडोसायरन आ जाता है, जो कि साउथ अमेरिकन लंग फिश जिसको कहा जाता है, और ये हमारे पास रिवर एमाजोन ऑफ साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। वी नो अमेरिका हमें हमारे पास टू पार्ट्स में डिवाइडेड, डेट इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो ये जो फिशेज हैं, ये जो लंग फिशेज हैं, ये हमारे पास साउथ अमेरिका में मोस्ट अबंडेंटली पाई जाती हैं। देन हमारे पास ये फिगर शो की गई है, जिसमें डिसकॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लंग फिशेज शो की गई है, जैसे कि अमेरिकन लंग फिशेज लेपिडोसायरन, जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है, उसके पोर्शन को हाईलाइट किया गया है। अफ्रीकन लंग फिश जो कि प्रोटोप्टेरस जिसको कहा जाता है, जो अफ्रीका में पाई जाती है, उसके पोर्शन को हाईलाइट किया गया है। देन ऑस्ट्रेलियन लंग फिश जिसे नियो सिराटोडस कहा जाता है, उसके पोर्शन को हाईलाइट किया गया है। तो डैट इज़ बेसिकली द वर्ल्ड मैप। देन नेक्स्ट हमारे पास इनकी मॉर्फोलॉजी आ जाती है। तो ये देखा गया जितने भी अर्ली मेंबर्स थे हमारे पास लंग फिशेस के, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, थिक थे, उनके जो स्केल थे वो लंपी थे, मतलब लम्ब्स फॉर्म में थे, उनकी लोब थी वो हमारे पास, और उनमें हाई डिग्री ऑफ क्रेनियल ऑसिफिकेशन थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, नो करंटली जो हमारे पास मॉडर्न लंग फिशेज हैं, उनके अंदर ऑसिफिकेशन अगर देखी जाए, क्रेनियल ऑसिफिकेशन, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो रिड्यूस है। इसके अलावा उनका हेड एरिया जो है वो भी शॉर्टर है, उनकी बॉडी भी एज़ कम्पेयर टू अर्ली मेम्बर्स जो है वो शॉर्टर है। देन अगर हम इनके टीथ को देखें, तो हमारे पास इनके जो टीथ हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, उनके अंदर टू लार्ज थिक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, और इनकी जो टिप होती है टीथ की, वो फॉरवर्ड पॉइंट हुई भी होती है। अब वो टीथ को यूज़ कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, तो हमारे पास जितनी भी लंग फिशेज हैं, वो इन टीथ को वी नो के स्मैश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, किसी भी प्रे को कैप्चर करने के लिए जो है, उनको ईट करने के लिए जो है हमारे पास लंग फिशेज जो है इन टीथ का इस्तेमाल करती हैं। देन अगर हम इनके रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस करें, तो इनका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वो एक वन ऑफ द यूनिक फीचर हम कह सकते हैं लंग फिशेज का है, और ये हाईली स्पेशलाइज्ड इनके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद होता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इनके अंदर हमारे पास लंग्स और गिल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके लंग्स की बात करें, तो इनके लंग्स हमारे पास लैरिंक्स और फेरिंक्स के साथ जो है वो कनेक्ट हुए भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लंग फिशेस के लंग्स हैं, उनको डिवाइड किया गया न्यूमेरस स्मॉलर एयर सैक्स में, जिनको हम वी नो ब्रैंकियोल्स का नाम देते हैं, जो कि गैस एक्सचेंज के लिए इनके सर्फेस एरिया को जो है वो मैक्सिमम कर देते हैं। देन हमारे पास मोस्ट ऑफ दी जो लंग फिशेज की जो स्पीशीज़ है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे पास थ्री जो है वो मेन जेनरा है, तीन मेन स्पीशीज़ है हमारे पास लंग फिशेज की, ठीक है, उन सब के पास पेयर्ड लंग मौजूद होता है, सवाए ऑस्ट्रेलियन लंग फिश के। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश में हमारे पास पेयर्ड लंग नहीं मौजूद होता, बस सिंगल लंग मौजूद होता है। दैट्स वाई जो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है, वो मोस्टली हमारे पास गिल्स यूज़ करती हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। जबकि अगर हम साउथ अमेरिकन लंग फिश की बात करें, या फिर हम अफ्रीका लंग फिश की बात करें, तो वो उनके पास, क्योंकि हमारे पास पेयर्ड लंग्स मौजूद होते हैं, इसलिए वो मोस्टली जो है लंग्स की मदद से जो है रिस्पायर करती हैं। उनके पास जो गिल्स होते हैं वो इतने डेवलप नहीं होते, वो पूरली डेवलप होते हैं। इसके अलावा ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो हमारे पास लंग्स हैं लंग फिशेस के, उनकी कुछ सिमिलैरिटीज लंग्स ऑफ टेट्रापोड्स के साथ भी मैच करती हैं। तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारे पास लंग्स ऑफ लंग फिशेस लंग्स ऑफ टेट्रापोड्स के साथ। देन हम इनके डिस्कस करते हैं जनरल एफिनिटीज विद फिशेज, इनके कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाकी फिशेज के साथ मैच करते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन हमारे पास स्पाइंडल शेप बॉडी आ जाती है, इनकी स्पाइंडल शेप ईल लाइक बॉडी होती है, इनकी बॉडी कवर्ड हुई हुई होती है साइक्लॉइड स्केल के साथ, इनके अंदर पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स हमारे पास पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, जो कि हमारे पास ऐसा लिम्फ के तौर पर एक्ट करते हैं।
इन फिशेस को क्रॉल करने में हेल्प करते हैं। देन हमारे पास जो इनके कॉडल और इनके डॉर्सल फिन्स होते हैं या जो टेल फिन्स होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं और फॉर्म करते हैं हमारे पास डाइफाई सर्कल टेल फॉर्म करते हैं। देन हमारे पास इनकी नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इनके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि ऐसा सेंस ऑर्गन काम करता है। देन हमारे पास इसमें ब्रैंकियल रिस्पायरेशन होती है। इनकी जो स्कल होता है उसमें लेटरल ऑसिफिकेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। देन अगर हम इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करें कि लॉन्ग फिशेज़ के ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो इंस्टेड ऑफ फिशेज हमारे पास दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ ज़्यादा सिमिलर हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एम्फीबियंस आ जाते हैं। लॉन्ग फिशेज और एम्फीबियंस में ये देखा गया है कि इनकी जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल बोथ हमारे पास ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली लॉन्ग फिशेज के बहुत से करेक्टरिस्टिक्स टेट्रापॉड्स के साथ भी मिलते हैं और इनको क्लोज रिलेटिव्स कहा जाता है टेट्रापॉड्स का। जैसे कि पीछे मैंने डिस्कस किया जो हमारे पास लंग फिशेस के लंग्स हैं वो होमोलोगस हैं टेट्रापोड्स के लंग्स के साथ। और ये देखा गया है कि जो हमारे पास सीलेकेंस हैं उनसे ज़्यादा सिमिलरिटी लंग फिशेस की टेट्रापोड्स के साथ है। इंस्टेड ये दोनों एक क्लासेस से बिलोंग करते हैं, फिर भी जो मोस्टली जो हमारे पास लंग फिशेस की सिमिलरिटीज़ हैं ये क्लोज रिलेटिव्स जो हैं वो टेट्रापोड्स के साथ हैं। देन अगर हम इनके माउथ की बात करें तो माउथ हमारे पास जो लंग फिशेस का है और जो टेट्रापॉड्स का है बोथ कम्युनिकेट किया हुआ होता है नेजल कैविटी के साथ। इसके अलावा जो हमारे पास इंटरनल नोस्ट्रल्स हैं बोथ लंग फिशेस की और टेट्रापॉड्स की वो भी हमारे पास सिमिलर हैं, उनको क्वाना का नाम दिया जाता है। इनके अलावा इनके ब्रेन के अंदर भी सिमिलैरिटीज़ देखी गई हैं कि जो हमारे पास ब्रेन है लंग फिशेस का और टेट्रापोड्स का वो भी मोस्टली जो है वो सिमिलर है। इसके अलावा जो हमारे पास अमेरिकन लंग फिश है उसके अंदर डबल लंग भी प्रेजेंट होता है। देन अगर हम इनके बिहेवियर को डिस्कस करें तो हमारे पास ये बोथ पेरेंटियल एज वेल एज माइग्रेटरी बिहेवियर शो करती हैं। अगर इनकी फीडिंग की बात करें तो ये हमारे पास कार्निवोरस इन नेचर हैं, वोरेशियस हैं मीन्स जो एक्वेटिक एनिमल्स पे एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उन पे भी फीड करती हैं, मोलस्क पे भी हमारे पास फीड करती हैं, क्रस्टेशियंस पे भी फीड करती हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे ही हमारे पास फीड करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनके पेरेंटल बिहेवियर को देखें तो हमारे पास जो अफ्रीकन लंग फिश है उसमें ये ऑब्जर्व किया गया है जो हमारे पास प्रोटोप्टेरस मेल है यानी मेल अफ्रीकन लंग फिश है वो अपने एग्स को जो है वो प्रोटेक्ट करती है अनटिल हैचिंग, जब तक यंग वन प्रोड्यूस नहीं हो जाते वो अपने एग्स को प्रोटेक्ट करती है और हाई पेरेंटल केयर जो है शो करती है। देन अगर हम इनके माइग्रेटरी बिहेवियर को डिस्कस करें तो हमारे पास कैपेबल होते हैं ये सर्वाइविंग इन बोथ वाटर एंड मड ड्यूरिंग डाइस सीजन या ड्यूरिंग जो है समर, ये अपने आप को मड में जो है वो बरो कर लेते हैं, ठीक है, एक्वेटिक लाइफस्टाइल से वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और जब कंडीशंस हमारे पास इंप्रूव हो जाती हैं सूटेबल हो जाती हैं तो वो अपने उस एक्वेटिक लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर लेते हैं। देन हमारे पास इनकी यूनिक फैक्ट्स आ जाते हैं जिनमें मोस्टली इनकी अडेप्टेशंस आ जाती हैं, और जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो मोस्ट यूनिक फीचर है हमारे पास लंग फिश का डैट इज़ देयर ब्रीथिंग अडेप्टेशंस, दैट इज़ देयर रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो हमारे पास लंग फिशेस हैं उनके अंदर बोथ गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं और लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। लंग्स के अंदर सेवरल एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, इनके ज़रिए ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है परफॉर्म करते हैं ऑन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट एंड व्हेन दे आर इन एक्वेटिक हैबिटेट एक्वेटिक लाइफस्टाइल तो ये गिल्स की मदद से रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। देन अगर इन समर बात की जाए जब कंडीशंस हमारे पास ड्राई होती हैं एनवायरनमेंट हमारे पास ड्राई होता है तो ये अपने आप को मड के अंदर हाइड कर लेते हैं फॉर समर स्लीप अनटिल रेनी सीजन हमारे पास जो है वो अराइव ना हो जाए, हमारे पास कम ना हो जाए। हमारे पास रेनी सीजन जब तक नहीं आता ये अपने आप को मड के अंदर हाइड किए रखते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है लंग फिशेस को? लंग फिशेस को इसका ये फ़ायदा होता है कि वो अपने आप को इस ड्राई एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपनी रिप्रोडक्शन को प्रोमोट करने के लिए भी ये फिनोमेना जो है वो
परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एस्टिवेशन का प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं, ये ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन, जब हमारे पास कैप्साली का जो है वो कंडीशन आ जाती है, तो ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं, इनकी म्यूकस को कोकॉन का नाम दिया जाता है। इसके अलावा ये अपने ही फिश मसल टिश्यूज़ को जो है, अपने ही टिशू मसल टिश्यूज़ को जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसके ज़रिए ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अपने आप एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। अफ्रीकन लंग फिश में ये ऑब्जर्व किया गया है कि ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन ये हमारे पास 4 ईयर के लिए एस्टिवेट करती है। इम्पोर्टेंस आ जाती है, इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारे पास जितनी भी लंग फिशेस हैं इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्लाइट है, ज़्यादा नहीं है। अगर हम इनकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखें तो ये हमारे पास एपिक्स प्रीडेटर हैं। इसके अलावा हमारे पास एक कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है, इनको कुछ कंट्रीज़ में, कुछ जगहों पे, फॉर एग्जांपल इन अफ्रीका, इनको ऐसा सिंबल ऑफ फर्टिलिटी कंसीडर किया जाता है, स्ट्रेंथ कंसीडर किया जाता है, और लॉन्गेविटी जो है वो कंसीडर किया जाता है। मोस्टली जो है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि इसको ट्रेडिशनल फूड सोर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिकन लंग फिश को लोकली ईट किया जाता है, ऐसा लंग फिश मीट। इसके अलावा इनको बायोमेडिकल रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है, ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म, और एजुकेशन पर्पजेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। देन अगर हम इनकी रिसेंट रिसर्च फाइंडिंग्स की बात करें कि रिसेंटली इन पे क्या क्या रिसर्च हुई है, तो साइंटिस्ट ने इनकी फॉर्मेशन ऑफ दी लंग फिश बोन स्टडी किया है, जिसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे पास लंग फिश बोन की फॉर्मेशन है वो सिमिलर है टू डैट ऑफ दी अर्ली ह्यूमन लिम्स। मीन्स ये कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि बोन के ऊपर स्मॉल ब्रांचेस प्रेजेंट है एट द टॉप ऑफ द बोन, और वो स्मॉल ब्रांचेस जो है आउटवर्ड एक्सटेंड होती हैं, ऐसा रिजल्ट हमारे पास फिन्स फॉर्म होते हैं। साइंटिस्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे पास बोन्स हैं वो सिमिलर लगती हैं लाइक दैट ऑफ अ ह्यूमन फिंगर और टो। इसके अलावा 2023 में भी इन पर रिसर्च की गई है, जिसमें इनकी न्यूरोफिजियोलॉजी को देखा गया है, ताकि रिसर्चर ये पता लगा सकें कि लंग फिशेस के अंदर कौन कौन से न्यूरल मैकेनिज्म्स परफॉर्म हो रहे हैं, उनके यूनिक बिहेवियर्स को स्टडी कर सकें, उनके फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस को स्टडी कर सकें। इसके अलावा अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो 2022 में भी इन पर काफ़ी रिसर्च हुई है। अभी रिसेंटली साइंटिस्ट इनकी जेनेटिक सीक्वेंसेस को जो है वो स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी किया जा सके, इनके अडेप्टेशंस को, मोर अडेप्टेशंस को स्टडी किया जा सके। इनकी जेनेटिक बेसिस को स्टडी करने का क्या फ़ायदा होगा कि उनकी यूनिक ट्रेट्स को जो है वो पता लग जाएगा उनका, और किस तरह सर्वाइव करती है हमारे पास टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, उनका पता लग जाएगा। इसके अलावा और स्टडीज़ की जा रही हैं, इनके रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी के ऊपर भी स्टडी की जा रही है लंग फिशेस की, ताकि देखा जाए कि किस तरह ये एयर को एक्सट्रैक्ट करती हैं, किस तरह ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करती हैं अपने लंग्स की मदद से। तो ये कुछ रिसर्चेज हैं जो इन पे अभी कुछ हो चुकी हैं, कुछ जो है वो अभी कॉन्टिन्यूड है, अभी इन पे काम किया जा रहा है। देन अगर हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस को लास्ट डिस्कस करें कि क्या वजूहत हैं कि हमारे पास लंग फिशेज एक्सटिंक्ट होती चली जा रही हैं, तो जो मेन रीज़न है डैट इज़ द हैबिटेट लॉस, द सेकेंड रीज़न इज़ पोल्यूशन, एंड द थर्ड वन इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स के क्राइसिस ऑफ रिसोर्सेज। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या की जा रही हैं, उनका मकसद क्या है कि इनके नेचुरल हैबिटेट को जो है वो प्रिजर्व किया जाए, ताकि लंग फिशेज हमारे पास, लंग फिशेज की जो पॉपुलेशन है वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके। सो दैट्स ऑल अबाउट लंग फिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।